देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। थाना कोसी कला पुलिस टीम ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना क्षेत्र कोसी कला में कोसी कामर रोड पर बम्बी के पास से एक अंतर्राज्यीय गौ तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हनीफ उर्फ हनी पुत्र रमजान निवासी उटावर थाना उटावर जिला पलवल हरियाणा के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, 4 अदद कारतूस 315 बोर, 2 खोखा कारतूस एवं 2 जिंदा कारतूस समेत एक क्रेटा कार बरामद की है। मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी थी कि अभियुक्त हनीफ गायों की रैकी करने के लिए अपनी क्रेटा कार से बिछोर पलवल मेवास से कामर होते हुए कोसी कला के तरफ आए का सूचना मिलते ही पुलिस ने चौकसी दिखाते हुए कोसी कामर रोड पर थाना कोसी कला पर बैरियर गाड़ियां लगाकर टीम बनाकर अभियुक्त को रोकने की कोशिश की, परंतु अभियुक्त हनीफ पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करके भागने लगा। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में अभियुक्त घायल हो गया, जिसे पुलिस ने तुरंत जिला अस्पताल मथुरा में उपचार हेतु भर्ती कराया। पुलिस की ओर से आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा से हमारे संवाददाता केशवाचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। थाना कोसी कला क्षेत्र में कोसी कामर रोड पर एक अभियुक्त के साथ मुठभेड़ की घटना हुई है। इस अभियुक्त का नाम हनीफ उर्फ हनी तथा सना रमजान है। यह गो तस्करी के मामले में लगातार वांछित चल रहा था। इसके कब्जे से एक क्रेटा कार तथा एक तमंचा, 2 कारतूस और 2 खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।